शिमला पहुंचे हैं राहुल और प्रियंका गांधी। जी हां, शपथ ग्रहण समारोह है आज। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शपथ ले रहे हैं हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर, और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारियां पूरी है। दिग्गज यहां पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां मौजूद हैं। शिमला पहुंचे हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी, और इनके साथ ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज शिमला में पहुंचे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। रिज मैदान में दोपहर 1:30 बजे ये समारोह होना है। रिज मैदान समर्थकों से भरा पड़ा है, भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है। आम जनता यहां पहुंची है, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज यहां पहुंचे हैं। डेढ़ बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक उत्साह कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। अब तीन राज्य हैं देश में जहां कांग्रेस का राज है, तीसरा राज्य बना है हिमाचल, और ताबड़तोड़ प्रचार यहां कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से किया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर शिमला के रिज मैदान से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरह का पूरा आयोजन देख रहे हैं, कितना उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में? देखिए, शिमला के रिज मैदान की अगर बात करें, शिमला का रिज मैदान बिल्कुल पूर्ण तौर पर तैयार है, और शिमला का रिज मैदान एक बार फिर गवाह बन रहा है एक और बड़ी जो ओथ सेरेमनी है मुख्यमंत्री की, उसका। अगर रिज मैदान की बात करें, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में हिमाचल की जनता है वो पहुँचे, जो तमाम नेता है वो पहुँचना शुरू हो गए। फिलहाल मैं रिज मैदान से थोड़ा सा दूर एक होटल में हूँ, जहाँ पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, पवन बंसल यहाँ पर मौजूद है, आनंद शर्मा यहाँ पर आए थे, सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद है, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, वे सारे के सारे नेता यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वो भी यहाँ पर आए थे, वो भी यहाँ से अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेने गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल ऊपर होटल में हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरशिप है, चाहे मुकुल वासनिक है, पवन बंसल है, आनंद शर्मा है, सचिन पायलट है, रणदीप सुरजेवाला, वो यहाँ के यहाँ पर पहुँच हुए हैं। थोड़ी ही देर पहले विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर आए थे, विक्रमादित्य सिंह ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम शुरू होने, क्योंकि जो कार्यक्रम का समय है वो 1:30 बजे का है, अब से कुछ ही देर में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और जो पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ से होटल से निकलेंगे और सीधा रिज मैदान में जाएंगे। चलिए, अब देखिए, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खास तैयारियां हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, और शपथ ग्रहण समारोह 1:30 बजे हो भी जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर सामने आ रही है? नल्स के प्रभारी है राजीव शुक्ला, उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत की गई थी, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि आज सिर्फ और सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम यानी सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, ये दो ही लोग ओथ लेंगे, यानी सीएम डिप्टी सीएम आज ओथ लेंगे, आज किसी मंत्री को ओथ नहीं दिलाई जाएगी। ये बयान राजीव शुक्ला की तरफ से दिया गया था, हिमाचल कांग्रेस के वो प्रभारी है, तो ऐसे में आज यही चांस है कि दो ही सीएम और डिप्टी सीएम दो ही लोग आज ओथ लेंगे। बाकी मंत्रिमंडल का कब बनाया जाना है, मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, कौन कौन मंत्री होंगे, इसको लेकर आने वाले दिनों में संभावना है कि सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली जाएंगे, जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप है, कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप से चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जो कैबिनेट है, कैबिनेट का गठन किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं सारे ही सारे गुटों को में एक सामंजस्य बैठाना है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनको भी कैबिनेट में जगह देनी है, जातिगत समीकरण हो या एरिया के समीकरण, तमाम समीकरणों को साधने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में संभावना है कि कांग्रेस के अशोक गहलोत यहां पर जाने लगे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत साहब का क्या कहना है, कि कितनी खास आज का रहने वाला है, उसकी बात कोशिश करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है आज की। सर, बड़ी जीत आप लोगों को मिली है, सर सर ये जीत कितनी खास रहने वाली है? खबरें अभी तक क्या है, कांग्रेस के लिए कितनी खास जीत है सर? विशेष महत्व रखता भैया, जो देश में वर्तमान जो स्थिति है उसमें दो राज्य है कांग्रेस के पास, दो अब तीन हो गए, माने रखें तो नई जान कांग्रेस में आएगी, भारत जोड़ो यात्रा में
बिल्कुल आएगी, जान भी आएगी, उत्साह बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का और देशवासियों में विश्वास भी होगा कि जो हालात देश में हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, वायलेंस का, उस पर अंकुश लगने में सहायता मिलेगी। जो भावना राहुल गांधी जी की है, जिसके लिए यात्रा निकल रहे हैं, उसमें भी उसकी भागीदारी हो जाएगी इन बातों में। ओपीएस अग्निवीर बड़े मुद्दे यहाँ पर हुए हैं, आप लोगों ने राजस्थान में तो ओपीएस लागू कर दी है, अब देश भर में मुद्दे कैसे रहने वाले कांग्रेस? ओपीएस का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ही है, ओपीएस का बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और मैं तो आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने कहा हमने लागू भी कर दिया है। आपने भी बड़ा पसीना बहाया था यहाँ पर, आपका भी पसीना? नहीं, मैंने पसीना यही बहाया, मीडिया वालों से बात करी, मैंने कहा ओपीएस राजस्थान में लागू है उसी का असर। और प्रधानमंत्री आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि खाली घोषणा करी है, घोषणा नहीं करी, पूरी लागू भी किया हमने, वो मैंने पूरा मीडिया को ब्रीफ किया था। भी लागू करवाएंगे, तो जो वादा किया तो लागू होगा, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, धन्यवाद। अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनकी तरफ से भी कहा गया है कि तमाम वायदे पूरे किए जाएंगे। पवन खेड़ा साहब यहाँ पे मौजूद है, पवन खेड़ा साहब आपने काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की थी, वो कामयाब हुई जो आप मीडिया के सामने मुद्दे रखते थे, उन मुद्दों पर हिमाचल की जनता ने मोहर लगा दी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम हिमाचल की जनता के, और जो हमने गारंटीज दी हैं, जो वादे किए हैं हिमाचल की जनता से, प्रियंका जी ने खुद आकर दिए हैं, वो एक एक वादा पूरा किया जाएगा, इस बात को किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। कब पूरे होंगे वायदे? ओपीएस तो पहली कलम से करना है, रोजगार का आप देख लीजिएगा, पहली कैबिनेट में जो निर्णय लेंगे, जो हमारी राजस्थान में सरकार बनी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बनी, पहली कैबिनेट में मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, यानी तमाम वायदे पूरे करेंगे, सरकार एकजुट रहेगी, सारे बिल्कुल रहेंगे, सब एकजुट रहेंगे, 5 साल बाद फिर से दोहराएंगे, ये आज से बोलकर जा रहा हूँ। धन्यवाद। पवन खेड़ा साहब मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, तमाम बातें पवन खेड़ा साहब की तरफ से भी कही गई है, अशोक गहलोत साहब ने भी हमसे बातचीत किया, जो कांग्रेस के तमाम नेता है अब यहां से निकलना शुरू हो गया, गाड़ियां लग चुकी है आरती, अब से थोड़ी ही देर में जो कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक एक करके यहां पर आएंगे और सीधा जो रिज मैदान है वहां पर जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी ऊपर है, वो भी आएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। रणदीप सुरजेवाला साहब भी अभी ऊपर है, जो बाकी जो दूसरे लीडरशिप है वो सारी की सारी ऊपर है, जो कांग्रेस के तमाम नेता है एक एक करके यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं, थोड़ी ही देर में जो दूसरे बड़े नेता है वो आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम बड़े नेताओं का अब निकलना शुरू हो गया है, आप नजर बनाए रखिए अनिल, और जैसे ही आपकी बातचीत होती है कुछ और बड़े नेताओं से तो हम आपसे फिर रब्ता करते हैं। इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ प्रदीप जुड़े हैं, खबर अभी तक के शिमला ब्यूरो है प्रदीप। प्रदीप देखिए, लगातार हम ये देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विशेष तैयारियां, खास तैयारियां, तमाम दिग्गज कांग्रेस के पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्या कुछ लगता है कि कब तक तमाम दिग्गज पहुंच पाएंगे रिज मैदान तक? बिल्कुल, देखिए 1:30 बजे का समय दिया गया है गवर्नर हाउस की तरफ से, जब के लिए राजस्थान है उन्होंने पहुंचना है, तो 1:30 बजे जो है शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा, और इससे पहले नेताओं के घूमने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है। अगर बात करें मंच की बात करें तो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो यहाँ पर पहुंची है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बाकी विधायक जो है वो भी पहुंच रहे हैं, सुंदर ठाकुर यहाँ पहुंच चुके हैं, अनिल सिंह पहुंच चुके हैं, तो तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और भी बाकी जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला जो है चला हुआ है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर पहले ही शिमला में राहुल गांधी प्रियंका गांधी की हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंचे हैं, तो साथ साथ अगर बात करें मैदान पर चलो एक बार फिर से अनिल का हम रुख करते हैं प्रदीप। अनिल देखिए, लगातार अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने निकलना शुरू कर दिया है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे हैं, अब ज्यादा समय बचा नहीं है, कौन कौन से नेता अभी और हैं यहाँ पर आपके पास होटल में मौजूद और कब तक निकल पाएंगे? रिज मैदान की जो भी लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रदीप वहां से दिखा रहे हैं, फिलहाल मैं रेडिसन होटल में हूं, यहां पर जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे एक एक करके निकलना शुरू हो गया, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी यहां से निकल चुके हैं, उन्होंने हमसे खास बातचीत की थी, पवन खेड़ा यहाँ से निकल चुके हैं, इसके अलावा जो दूसरी बड़ी लीडरशिप थी मुकुल वासनिक यहाँ पे मौजूद है, रणदीप सुरजेवाला, पवन बंसल वो यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी यहाँ पर मौजूद है, अब से कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जो अगर समय की बात करें 1:15 बजने को है, 1:30 बजे
जाएगा वहां पर कार्यक्रम में, तो संभावना है कि 5 से 10 मिनट में कभी भी जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो यहाँ से निकल सकती है। जो चहलकदमी है, यहाँ का नजारा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, जो तमाम गाड़ियां हैं बड़े नेताओं की वो गाड़ियां यहाँ पर लग चुकी है। सीएम डिप्टी सीएम भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने भी मुलाकात की थी, उनको लेकर ही यहाँ पर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो नेता थे यहाँ पर सारे। और बाकी नेताओं की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि मुकुल वासनिक यहाँ पे मौजूद है, सचिन पायलट यहाँ पे मौजूद है, थोड़ी ही देर में जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो यहाँ पे यहाँ से निकलने वाली है। लगातार यहाँ की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो तमाम गाड़ियाँ हैं बड़े नेताओं की वो यहाँ पर लग चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है कि कब जो नेता है वो यहाँ से आएंगे। सीधी तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं शिमला से, ये सीधी तस्वीरें हैं। एक तरफ हमने रिज मैदान की तस्वीरें दिखाई हैं, अनिल हम तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, तमाम बड़े नेता यहाँ कांग्रेस के पहुंच चुके हैं, कांग्रेस की सरकार की ताजपोशी है। और इधर सुक्खू पहुंच रखे हैं, सुक्खू आगे बढ़ रखे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 1:30 बजने वाले हैं, 1:10 हो चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के बीच शिमला पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की सरकार की ताजपोशी का हिस्सा बनने के लिए पहुंची हैं। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है और 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू की होगी ताजपोशी। तस्वीरें आप देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए हैं और मंच पर अब पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह बस शुरू होने वाला है, 1:30 बजे का समय दिया गया था, 1:10 हो गई है, रिज मैदान खचाखच भरा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उत्साह में नजर आ रहे हैं। 15वें मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारी भीड़ यहां उमड़ पड़ी है। एक बार फिर से अनिल का भी हम रुख करेंगे, अनिल इधर खचाखच रिज मैदान भरा हुआ है, पार्टी के दिग्गज पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब कौन कौन से नेता बचे हैं यहां होटल में जिनका निकलना बाकी है रिज मैदान के लिए? अनिल देखिए, होटल के बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं बड़े नेताओं की लग चुकी हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि कब मल्लिकार्जुन खड़गे नीचे आएंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस की तमाम बड़ी लीडरशिप है वो यहां पर पहुंची हुई है, पवन खेड़ा यहां पर घूमते आपको नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत साहब भी वहां पर खड़े हुए हैं, अशोक गहलोत भी यहां पर मौजूद है। किसी भी पल यहां पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि अलर्ट यहां पर हो रखा है, जो चहलकदमी है चहलकदमी यहां पर बढ़ चुकी है। इंतज़ार किया जा रहा है कि कब मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए, क्योंकि जैसे मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अलर्ट हो चुका है और हम आपको सारी की सारी तस्वीरें दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी खास बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर जो अलर्ट है वो हो चुका है। किसी भी पल यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे नीचे आने वाले हैं, रणदीप सुरजेवाला ऊपर मौजूद है, मुकुल वासनिक ऊपर मौजूद है, इसके अलावा जो दूसरी लीडरशिप है बड़ी लीडरशिप वो सारी की सारी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। खास बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे कि इस जीत को कैसे देखते हैं। शायद यहाँ पर अलर्ट हो चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आने वाले हैं, रणदीप सुरजेवाला आ चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि रणदीप सुरजेवाला साहब का क्या कहना है, कि रणदीप सुरजेवाला साहब आगे मल्लिकार्जुन खड़गे आ चुके हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी अहम जीत कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस के लिहाज से बड़ी जीत है। खड़गे साहब सर, एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली, कितनी खास जीत है सर, बड़ी जीत कांग्रेस को मिली हिमाचल में सर? हमने कहा ना, बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है और हम हिमाचल के सारे लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन सभी लोग एक होकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़े और सभी लोग एक होकर चुनाव भी लड़े। नहीं जाना कि भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जाना कि सर, ये तो खड़गे साहब एक्सक्लूसिव बातचीत हमसे की है और कहा है कि बड़ी जीत, इसके अलावा जो बड़े नेता उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। खड़गे साहब ने एक्सक्लूसिव बातचीत खबरें अब तक से की है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू खबरें अब तक को दिया और कहीं ना कहीं एक जान कांग्रेस में आएगी। खड़गे साहब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि रिज मैदान पर जो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होना है। विक्रमादित्य साहब साथ में मौजूद है, रणदीप सुरजेवाला साहब भी साथ में मौजूद है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है क्योंकि खड़गे साहब पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनके अध्यक्ष बनने के बाद एक स्टेट में तो कांग्रेस की सरकार आ गई। अब किस तरीके के जो भविष्य के टारगेट रहने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं विक्रमादित्य साहब यहाँ पर मौजूद है, रणदीप सुरजेवाला साहब यहाँ पर मौजूद है, अशोक गहलोत साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रिज मैदान के
के लिए निकल रहे हैं, खबरें अब तक से खास बातचीत इनकी तरफ से की गई और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ से निकल चुके हैं। हम भी अब सीधा यहाँ से रिज मैदान की तरफ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से निकल चुके हैं, पवन खेड़ा यहाँ से निकल चुके हैं। हम भी अब सीधा रिज मैदान की तरफ जाएंगे और वहाँ की जो लाइव तस्वीरें है वो आपको दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि अब जो शपथ ग्रहण समारोह है रिज मैदान पे होना है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से निकल चुके हैं, खबरें अब तक से खास बातचीत उनकी तरफ से की गई है और कहीं ना कहीं अब जो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वहाँ पर होना है। बिल्कुल, आप निकलिए और तस्वीरें हम दर्शकों को सबसे पहले दिखा रखे हैं। खबरें अभी तक पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बातचीत की है, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव बोलते नजर आए थे कि हिमाचल में जो मेहनत की है उसका फल मिला है और मल्लिकार्जुन खड़गे निकल चुके हैं रिज मैदान के लिए। उनके साथ विक्रमादित्य सिंह है, पवन खेड़ा है, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का रिज मैदान में पहुंचना जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रिज मैदान से खबरें अभी तक के संवाददाता है प्रदीप, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी निकल चुके हैं, क्या यहाँ पर आप अब माहौल देखते हैं? काफी उत्साह यहाँ नजर आ रहा है कांग्रेस के दिग्गजों में भी। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें आप देखिए, मंच सज चुका है और कांग्रेस के दिग्गजों का मंच पर पहुंचना शुरू भी हो चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें मुख्यमंत्री हिमाचल के बनने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह 1:30 बजे, बचे हैं केवल कुछ ही पल। तस्वीरें आप देखिए, अब 1:15 हो चुके हैं, 1:30 बजे का समय दिया गया था, तमाम दिग्गज यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। खास बात यह है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश भर में भ्रमण कर रहे थे और पहुंच चुके हैं वो भी रिज मैदान में। रिज मैदान पर मंच में इस वक्त हलचल बढ़ रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज पहुंच रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पहुंच गए हैं, शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का पहुंचना एक के बाद एक जारी है। राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मंच पर मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपस में मुलाकात भी हुई है। प्रतिभा सिंह से ये मुलाकात महत्वपूर्ण रखी। आपको बता दें कि ताजपोशी का ये समय है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण के लिए शिमला के रिज मैदान को पूरी तरह सजा दिया गया है और इस बीच एक एक कर कांग्रेस के दिग्गज यहां पहुंच गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिज मैदान पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। शिमला के मौसम के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह यहां शानदार है। और इससे पहले आपको खास बात ये बताने की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, तमाम बड़े दिग्गज शिमला में मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी निकल चुके हैं रिज मैदान में पहुंचने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह, सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के नए मुख्यमंत्री की कुर्सी आज संभालने वाले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले सुक्खू ने प्रतिभा सिंह से मुलाकात की थी। सुक्खू सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 1:30 बजे होगा और अब बस कुछ ही पल की देरी है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर आ पहुंचे हैं शिमला। इधर प्रियंका गांधी शिमला में मौजूद है, मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया है, डिप्टी सीएम की ओर शपथ लेंगे इनके साथ ही। सुक्खू सरकार की ताजपोशी आप देख रहे हैं रिज मैदान से हो रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण के लिए शिमला के रिज मैदान को सजाया गया है, खचा खच रिज मैदान भरा हुआ है। और हिमाचल में ये रिवाज रहा है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, एक बार फिर नई सरकार बन रही है। रिज मैदान में समारोह की विशेष तैयारियां, खास तैयारियां, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रिज मैदान खचाखच भरा के कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नजर आ रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं और हिमाचल के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, 15वें मुख्यमंत्री बन रहे हैं हिमाचल के। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, तमाम दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने हैं। हिमाचल की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल प्रदेश की जनता की जीत हुई है और सुखजी भी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एक
नई शुरुआत हिमाचल के लिए होगी। हम सभी बड़े खुश हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। ये धारणा जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराया नहीं जा सकता, वो धारणा को विराम लग गया है। बड़े उत्साह से लोगों ने चुनाव लड़ा है। हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद सभी वादों को हम पूरा करेंगे। और एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने आज मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। प्रदेश अध्यक्ष रहकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हिमाचल के विकास में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के, जीत को उत्साहित बता रखे के अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। प्रदेशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं आगे के लिए, क्योंकि दो राज्य थे कांग्रेस के पास में, आज तीन हो गए हैं, हो जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण है। और कांग्रेस वाले बहुत ही खुश भी हैं, प्रदेशवासी खुश हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो वादे किए थे उन वादों पे हम खड़े उतरेंगे। जो गारंटीज प्रियंका जी ने यहाँ आकर दी हैं हिमाचल के लोगों को, वो एक एक गारंटी पूरी होगी और पहली कैबिनेट से ही ये काम शुरू हो जाएगा, इसमें किसी के मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं हिमाचल के लोगों के कि उन्होंने हमें इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। इसको कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे सर, जिस तरीके से ओपीएस की चाहे बात कह ले या कई आपके 10 गारंटीज थी, तो उसको कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे? पहली कैबिनेट से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कैसे हम लोग कितने गंभीर और सजग हैं इस गारंटीज के प्रति, वो दिखेगा लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू पवन खेड़ा को आपने सुना। एक उत्साह कांग्रेस के नेताओं में नजर आ रहा है कि पहले दो राज्य थे, अब तीन राज्य हो गए हैं कांग्रेस के, अशोक गहलोत कहते नजर आए हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि जैसे ही सरकार अपना काम शुरू करती है तमाम वादों को पूरा करेंगे। और जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता को कांग्रेस ने हिमाचल में मुख्यमंत्री का पद दिया है, ये सचिन पायलट कहते नजर आए हैं। रिज मैदान में जश्न का ये माहौल हम आपको दिखा रखे हैं, सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप देख रखे हैं खबरें अभी तक पर। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रिज मैदान को सजाया गया है, खचाखच ये मैदान आम लोगों से भरा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इस वक्त बेहद उत्साह में नजर आ रखे हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक एक कर रिज मैदान पहुंच रखे हैं। ये बहुत खुशी का दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए, हमारे तमाम कांग्रेस जनों के लिए। देवभूमि से एक संदेश गया पूरे देश को कि सरकार जो केंद्र में है और जो यहाँ की सरकार थी उनकी नीतियाँ और सोच गलत थी। कड़ा मुकाबला हुआ है, वह जीत कांग्रेस ने दर्ज की है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। दोनों अनुभवी हैं, मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी। सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण परिवार से ये कार्यकर्ता जो छात्र संगठन से आगे बढ़ते हुए युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रदेश कांग्रेस के बने, वो मुख्यमंत्री बने, उनको जन समर्थन है, लोकप्रिय भी हैं, विधायकों का भी समर्थन है। और ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये सोच बदलेगी, नीतियां बदलेंगी और जो लोगों को पसंद होगा वही होगा। हमने कहा था हम संवेदनशील हैं कर्मचारियों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, हम उसको निभाएंगे। धन्यवाद। आप सब इस बात का ध्यान रखें, आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें सौरभ जी, आप लोगों को बोलने नीचे अनुराग जी को बोल करके रिक्वेस्ट करके, आप देख रखे हैं मंच पर तमाम दिग्गजों का पहुंचना जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रखे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं, इनके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम दिग्गज पहुंचे हैं शिमला में। तो वही आनंद शर्मा को हमने आपको सुनाया।
आनंद शर्मा बोलते नजर आए गए कांग्रेस नेता कि ये केवल राज नहीं बदला बल्कि विचारधारा बदली है। ताबड़तोड़ प्रचार कांग्रेस की तरफ से किया गया और आज कांग्रेस की ताजपोशी के कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री बन रखे गए सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह बस शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रखे हैं रिज मैदान से। रिज मैदान को सजाया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक वो आपको सुनवाते हैं। किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी इस वक्त खबरें अभी तक के साथ है। आज शपथ ग्रहण होने वाला है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का। सर सत्ता में वापसी हुई है कांग्रेस की और बहुत सारी गारंटियां भी आपने दी है। आज शपथ ग्रहण भी हो रहा है, एक नए नेतृत्व का जो है उदय हुआ है हिमाचल में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हिमाचल के जो प्रबुद्ध जनता है उनका बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ। भाजपा का जो कुशासन था, जो इन्होंने 5 साल में लोकतंत्र का हत्या की, लोकतंत्र को हर तरह से इसके जो है इसको पीछे धकेला है, दोबारा से लोकतंत्र जो है अब बहाल होगा और सभी को अपने अधिकार मिलेंगे और जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान पूरा किया जाएगा। जो 10 गारंटी दी है आपको लगता है कांग्रेस समय रहते उन्हें पूरा करेगी, चाहे वो 1500 वाली है चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम, एक बड़ा कॉन्सेप्ट रहा हिमाचल में ओल्ड पेंशन? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में और 10 गारंटी योजना है, ओपीएस का मामला है, सभी हम जो है उसके लिए वचनबद्ध है और प्राथमिकता के आधार पर इनको जो है पूर्ण किया जाएगा। तो रिज मैदान से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू बन रहे हैं 15वें मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विशेष तैयारियां, खास तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की गई है। आपको बता दें खास बात, विशेष बात यह भी है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए देश भर में भ्रमण कर रखे थे पहुंच चुके हैं शिमला में। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस सरकार की ताजपोशी का हिस्सा बनने के लिए पहुंची है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बताया जाता है सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच मुलाकात हुई है, महत्वपूर्ण ये मुलाकात भी है। और खास बात यह है कि सुक्खू जहां सीएम पद की शपथ लेंगे तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम के तौर पर अपने पद की शपथ लेंगे। उसके बाद बचेगा मंत्रिमंडल का गठन और माना यह जा रहा है कि इसको लेकर भी कुछ चेहरे पहले से तय हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संपादक नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर नासिर बोलिए। तो वक्त है, ये हिमाचल में इतिहास बन रहा है। हिमाचल के लोगों ने उस इतिहास को कायम रखा है जो उनकी पहचान था 1985 से लेकर अब तक, 1985 से लेकर अब तक का ये इतिहास बरकरार रहा। काफी कुछ नारे लगे थे रिवाज बदलने के, लेकिन हिमाचल की जनता ने अपने रिवाज को बरकरार रखते हुए कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार दी है और अब कांग्रेस सरकार के सामने आज के बाद से चुनौतियां शुरू हो जाएंगी। शुभकामनाएं हैं हिमाचल की जनता को, हमारी भी, नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को और हिमाचल में पहली बार बने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को। ये इतिहास भी रचा गया है, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी बात, मैं एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आते हैं और जहां से मुकेश अग्निहोत्री भी आते हैं, और उस संसदीय क्षेत्र ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है और वो रिकॉर्ड यह है कि राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं। अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मंत्री है वो भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हमीरपुर क्षेत्र से आते हैं। और देश में ये पहली बार हुआ है कि जब इतने बड़े पदों पर बैठे हुए कुछ लोग, बड़े नेता एक ही संसदीय क्षेत्र से आते हों। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें रिज मैदान से लाए खबरें अभी तक पर। हम लगातार इस खबर को दिखाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको खबरें अभी तक पर ही ये तस्वीरें मिलेंगी। सारी तस्वीरें हमारे अलग अलग कैमरा पर्सन, हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। हमने सबसे पहले आपको सुनाया खबरें अभी तक पर मल्लिकार्जुन खड़गे, और उन्होंने कहा कि हाँ बड़ी जीत मिली है और साथ में हिमाचल से किए गए वादों को भी हम पूरा करेंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, भूपेश बघेल पहले से मौजूद हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से मौजूद हैं, प्रभारी राजीव शुक्ला पहले से मौजूद हैं। और आज का दिन हिमाचल में एक बहुत ही खास दिन, मुकेश अग्निहोत्री जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करते रहे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रचार समिति के चेयरपर्सन थे और लगातार इन सबकी मेहनत से, प्रतिभा सिंह जो अध्यक्ष थी,
आखिरकार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। तस्वीरें देख रहे हैं हम, तस्वीरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। और सबसे पहले खबरें अभी तक पर, हर एक अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। अवंतिका, मंच तैयार है और अब से बस कुछ ही पलों बाद सुखविंदर सिंह सुखू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के दिग्गज इस समय मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल मंच पर मौजूद हैं और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री वो भी मंच पर मौजूद हैं। देखिए, एक बड़ा मौका कांग्रेस पार्टी के लिए। सबसे बड़ी बात ये कि इस बार रिवाज को कायम रखा है, बरकरार रखा है कांग्रेस पार्टी ने और पूर्ण बहुमत की सत्ता पर काबिज पार्टी हुई है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार प्रदेश में बनाई है कांग्रेस पार्टी ने। और मुकेश अग्निहोत्री आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जो कि इस समय मौजूद हैं मंच पर और डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, ये भी पहली बार होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में कि कोई डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। अभी तक डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट हिमाचल में नहीं रहा, लेकिन पहली बार होगा जब डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश में बन रहा है और मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही साथ देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि कहां तो कांग्रेस पार्टी एक एक करके सभी राज्यों से लग रहा था कि लगभग गायब होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, लेकिन ये एक जीवन दायिनी के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगी। ये जीत हिमाचल में, जो जीत कांग्रेस की हुई है, इससे जाहिर तौर पर कांग्रेस में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले खबरें अभी तक, आपको शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सुक्खू की ताजपोशी आज होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। जाहिर तौर पर इस समय उनके समर्थकों में उत्साह है, खुशी है। जैसे ही ये खबर कल आई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर हाईकमान ने मोहर लगाई है, उसके बाद उनके अपने जो विधानसभा क्षेत्र है नादौन, वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिला। पटाखे फोड़े, लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन उसके साथ ही साथ अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस समय शिमला से सामने आ रही है। अब शिमला से सुक्खू राज आज से शुरू हो रहा है नासिर। बिल्कुल, सुक्खू राज शुरू हो रहा है अवंतिका, और ये बहुत ही दिलचस्प लड़ाई थी। चुनाव बहुत दिलचस्प हुआ, प्रचार बहुत दिलचस्प हुआ, वादे बहुत दिलचस्प थे, और फिर दिलचस्पी तब और ज्यादा बढ़ गई लोगों की इस चुनाव पर। इस चुनाव पर पूरे देश की निगाह थी। हिमाचल का चुनाव इससे पहले इतना ज्यादा चर्चाओं में कभी नहीं रहा जितना इस बार चर्चाओं में रहा। हिमाचल का चुनाव पहले ज्यादा लोगों को अपनी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाया जितना इस बार कर पाया। सारे मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री हिमाचल में लगे हुए थे दोनों ही पार्टियों के। एक दिन में 68 रैलियां बीजेपी ने करके रिकॉर्ड बनाया था। ये पहली बार हुआ था। बड़े बड़े वादे कांग्रेस के थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने वादों के हिसाब से भी बीजेपी पर लगातार हमले बोलती रही कांग्रेस। और वो वादे जो थे, ओपीएस की बात की जाए, महिलाओं के लिए बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, या फिर फ्री बिजली यूनिट की बात की जाए, ये बहुत ऐसे वादे थे जो घोषणा पत्र में थे, जो कांग्रेस के बहुत ही काम में आए। लेकिन बीजेपी ने भी कड़ा मुकाबला, क्योंकि कितनी दिलचस्प बात है अवंतिका, सिर्फ 1% वोटों का अंतर, सिर्फ 1% वोटों का अंतर, लेकिन सीटों में इतना बड़ा अंतर कर गया। लेकिन हार हार होती है, जीत जीत होती है, और कांग्रेस के लिए ये जीत एक संजीवनी के रूप में आई है। पूरे देश के कांग्रेस के नेता इससे उत्साहित हैं, और यही वजह है कि आज आपने देखा कि शपथ ग्रहण में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में से वक्त निकाल कर पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी लगातार यहां पर प्रचार करती रही, और इस वक्त थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, खबरें अभी तक पर हम लगातार दिखाते रहेंगे। 1:30 बजे का वक्त था और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शपथ दिलाई जाएगी हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को और पहली बार बनने जा रहे उप मुख्यमंत्री को अवंतिका। और ये भारी भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही है कि आज का दिन हिमाचल के सियासत में एक और ऐतिहासिक दिन है। पार्टी के लिए काम कर ही रही है नासिर, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे लगता है आज इस उत्साह के बीच से इसके बाद आज शपथ ग्रहण जब होगा, उसके बाद नजर उस पहली बैठक की रहेगी जिसके बाद ओपीएस बहाली का जो वादा किया, या फ्री यूनिट देने का, बिजली यूनिट देने का, या जो वादे, जो पहली कलम से वादे किए गए थे, उस पर नजर रहेगी, फैसले लिए जाएंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
में राहुल गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच से राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं हिमाचल में, जब नई सरकार के गठन का मौका है। और यहां पर आप देख रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री उनसे मिल रहे हैं और तमाम नेता इस समय भी जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज हैं वो मंच पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई है और राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मंच पर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर भी थे और यात्रा छोड़कर बीच से वो हिमाचल नहीं भी पहुंचे थे। प्रियंका गांधी पहुंची थी, प्रियंका गांधी ने चुनावी रैलियां भी की थी। लेकिन आज जब मौका है सरकार के गठन का, नई सरकार के शपथ ग्रहण का, तो राहुल गांधी पहुंचे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच से समय निकालकर। और साथ में मौजूद है प्रियंका गांधी भी, जिन्होंने इस बार पूरी बागडोर हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पार्टी की पूरी बागडोर इस बार संभाल रखी थी। तो खुद चुनाव प्रचार में जुटी रही, उन्होंने रैलियां की, मीटिंग्स की, तो वो भी इस समय मौजूद है। ये जीत जो हुई इसमें प्रियंका गांधी का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान, क्योंकि उन्हीं की बनाई रणनीति थी जिसके माध्यम से पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है। सुखविंदर सुक्खू आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री साथ में मौजूद है। और साथ ही साथ देखिए कांग्रेस पार्टी के वो तमाम दिग्गज जिनकी बदौलत दरअसल पार्टी सत्ता में काबिज होने में कामयाब हुई है, राजीव शुक्ला है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, और साथ ही साथ हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा वो भी मौजूद हैं, अशोक गहलोत मौजूद हैं। तो ये सभी वो नेता मौजूद हैं जो बार बार जिन्होंने हिमाचल का दौरा भी किया, जिनके कंधों पर हिमाचल में पार्टी को फिर से सत्ता पर काबिज करने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और अब ये सभी इस मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। नासिर बने हुए हैं दर्शक हमारे साथ और हिमाचल प्रदेश की हर एक खबर को हमने सबसे पहले दिखाया और आज का दिन भी आपके लिए सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। ये बहुत ही खास तस्वीरें कांग्रेस के वो बड़े चेहरे जो देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में, मल्लिकार्जुन खड़गे। और खबरें अभी तक पर बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाँ जीत अलका लांबा नजर आई है, शुरू से ही यहाँ पर मौजूद थी अलका लांबा, काफी मेहनत कर रही थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और थोड़ी देर में शपथ लेंगे, आज कांग्रेस के तमाम नेता उत्साहित हैं। ये जीत कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है, हिमाचल में कांग्रेस की जीत ने ये साबित किया है, कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया है कि अगर हम मेहनत करें, एक साथ चलें, तो हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत ही दिलचस्पी लड़ाई होती रही मुख्यमंत्री पद को लेकर, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा अगर देर हो गई तो इससे कांग्रेस की फजीहत होगी, लेकिन कल तक आखिरकार एक दिन के अंदर अंदर कांग्रेस ने तय कर लिया और अब ऐसा लगता है कि एक मजबूत सरकार कांग्रेस दे पाएगी। और ये कांग्रेस की जिम्मेदारी भी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी भी है और कांग्रेस के लिए चुनौती भी है। और अवंतिका, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल चुनौतियां शुरू हो जाएंगी, ये हम लगातार राजनीतिक इतिहास में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, चुनौतियां शुरू हो जाएंगी। और जो पहली चुनौती वही है कि 10 दिन के अंदर कैबिनेट की पहली कलम से ओपीएस को लागू करना, ओपीएस का मुद्दा वाकई में हिमाचल प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जनता ने कांग्रेस के मुद्दों पर, कांग्रेस के वादों पर यकीन किया और काफी भीड़ है, हजारों लोग रिज मैदान ऐतिहासिक रिज मैदान है, गवा रहा है ये हमेशा हिमाचल प्रदेश की सियासत की बड़ी उपलब्धियों का। और इसी रिज मैदान पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हिमाचल के पूर्ण राजत्व की घोषणा की थी। और ये तस्वीरें खबरें अभी तक पर हम फुल स्क्रीन में दिखाएंगे, तमाम तस्वीरें फुल स्क्रीन में। और लगातार आप ये डिप्टी सीएम का जो सफर पत्रकार के रूप में काम किया और फिर डिप्टी सीएम तक पहुंचे, मुकेश अग्निहोत्री का सफर भी काफी दिलचस्प रहा, और काफी दिलचस्प रहा सुखविंदर सिंह सुक्खू का सफर। हिमाचल प्रदेश की ये नई जोड़ी हिमाचल से किए गए वादों को किस तरह से पूरा कर पाएगी, ये सबसे बड़ी नजर रहेगी। और अवंतिका, नजर इस पर भी रहेगी कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है, किसको कौन सा मंत्री बनाया जाता है, प्रतिभा सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार को क्या कुछ मिलता है, इस पर भी नजर रहेगी। और देखिए शपथ ग्रहण की शुरुआत होने जा रही है।
जैसे ना सर आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर जो पोर्टफोलियो आवंटन होगा उसके पर नजर रहेगी। ये आप ये देखें तस्वीरें, प्रतिभा सिंह मिल रही हैं, राहुल गांधी मिले हैं प्रतिभा सिंह से, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह। और अब जब वो मंच पर पहुंची तो उसके बाद ये देखिए आप, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों से वो मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। और ये हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रतिभा सिंह पहुंची है। देखिए प्रतिभा सिंह इस बार पूरी तरह से अड़ गई थी कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगी, वीरभद्र सिंह के जो किए काम थे उसके ऊपर पार्टी इस बार चुनाव लड़ी है, उसी के बदौलत सत्ता पर काबिज हो रही है, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री बनने की पूरी जिद प्रतिभा सिंह की थी। और उनके समर्थकों ने जिस तरह से शिमला में हंगामा किया वो सब तस्वीरें भी सबके सामने आई। लेकिन अब आज का ये दिन है जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की ताजपोशी होने जा रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। प्रतिभा सिंह यहां पहुंची है तो उसके बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। हालांकि इससे पहले आपको ये भी बता दें कि दरअसल जब सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में यहां मुख्य मंच पर शामिल होने से पहले आज सुबह में पहले सुक्खू गए प्रतिभा सिंह से मुलाकात करने के लिए, जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर आप देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की माताजी जो हैं संसारों देवी, वो आपको तस्वीरों में नजर आई हैं। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू का परिवार, जाहिर तौर पर कल परिवार भी भावुक हुआ जब आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की घोषणा की। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की माताजी अपनी माँ के साथ में सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू की यहाँ पर पत्नी है साथ में, उनकी माता है साथ में। और ये परिवार आज दरअसल यहाँ पर जाहिर तौर पर देखिए किसी भी परिवार के लिए बड़ा दिन ये होगा जब प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कल भावुक हुई उनकी मां, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरह से भावुक हुई। और उसके बाद में उन्होंने जाहिर तौर पर कहा कि बेटे ने जो संघर्ष किया है, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, और आज वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, आज ये तस्वीरें हैं जो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें। सबसे पहले खबरें अभी तक पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला के रिज मैदान पर ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है, वो ऐतिहासिक रिज मैदान जो न जाने कितने राजनीतिक सफर का साक्षी बना है। तो यहीं से ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की शुरुआत आज से हो रही है और नए मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर कई बड़ी चुनौतियां उनके सामने रहेंगी। सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि किस तरह से सभी विधायकों को एकजुट करके समन्वय बना के चलना है, ये चुनौती है जाहिर तौर पर। ये देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है अब जो मुलाकात करने आई है, प्रियंका गांधी से मिली है, प्रतिभा सिंह से मिली है, पैर छुए हैं, आशीर्वाद लिया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी जो है वो अब यहाँ पर मिली है, और ये उनके बच्चे सुखविंदर सिंह सुक्खू के, ये देखिए आप उनकी बेटियां हैं जो आकर मुलाकात करने के लिए आई हैं। तो यहाँ पर ये परिवार पूरा मिलता हुआ जाहिर तौर पर आज देखिए परिवार में उत्साह है, परिवार में जश्न का माहौल तो हमने देखा, कल वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये देखिए जो उनकी माताजी हैं प्रतिभा सिंह के, एकदम बराबर वाली सीट पर उन्हें बिठाया गया है, क्योंकि एक माँ का आशीर्वाद और उन्होंने जिस तरह से देखा अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए, जो समर्थन उनका रहा, क्योंकि काफी लंबे समय से दरअसल छात्र जीवन से ही उन्होंने एक राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, और उसके बाद में एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जिसके बाद अब जाकर वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बन रहे हैं, जाहिर तौर पर लोगों की कई आशाएं हैं उनसे, और कई वादे जो कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार के समय किए गए, कई ऐसे वादे जिन्हें पहली कलम से कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से पूरा करने का वादा किया, तो उस पर निगाहें रहेंगी कि किस तरह से अब ये जो वादे थे ये सिर्फ चुनावी ना रह जाए, इनको पार्टी कैसे पूरा करती है ये जरूर देखना होगा। और ओपीएस बहाली का 10 दिन के भीतर ओपीएस बहाली का बड़ा वादा किया गया था, तो ये वादा पार्टी कैसे पूरा करती है, क्या वाकई में पूरा करती है, इस पर निगाहें सबकी टिकी रहेंगी। लेकिन साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने चुनौती ये रहेगी कि कैसे सभी विधायकों को आपस में समन्वय बनाकर वो लेकर चलेंगे, क्योंकि देखा जिस तरह की बगावत दिखी जब नाम के ऐलान से पहले, तो वो सभी तस्वीरें भी देखी थी। इस समय शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले दिवंगत पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी ओर से श्रद्धांजलि दी गई। ये देखिए आप यहां पर दरअसल तस्वीर उनकी रखी गई है जिस पर सभी आ रहे हैं और एक ही करके श्रद्धांजलि अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें शिमला के रिज मैदान से, प्रियंका गांधी उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, वो
तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो इस समय शपथ ग्रहण समारोह से सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर अब से कुछ ही देर में दरअसल शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस विजयी होकर वापस लौटी है, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी थी जिसने पूरी ताकत झोंक दी थी प्रदेश में रिवाज को बदलने के लिए, पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने जिस तरह से खुद को ग्राउंड पर मजबूत करा और जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाई, उसी का नतीजा है कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में बनी है और इस नई सरकार के सरताज हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नासिर, सचिन पायलट जी, हमारे प्रदेश जिन्होंने बहुत बड़ा कैंपेन यहाँ पर किया, अलका लांबा जी, हम आप सब लोगों के कृतज्ञ हैं। बहुत ही खास तस्वीरें हिमाचल कांग्रेस के लिए, बहुत ही खास, बहुत ही अहम तस्वीरें। शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान और इस मैदान पर यह भव्य कार्यक्रम, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। एक लंबी जद्दोजहद के बाद हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई और उसी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फैसला हुआ। कांग्रेस की कोशिश है कि एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश में दी जाए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खबरें अभी तक पर सीधी लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, लाइव तस्वीरें। मुकेश अग्निहोत्री को आप देख सकते हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रतिभा सिंह, होने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे और ये कांग्रेस के लिए हिमाचल में एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत। जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो बहुत सी चर्चाएं चल रही थी, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हम जीतेंगे, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन हिमाचल की जनता ने अपने रिवाज को कायम रखा और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को एक मजबूत सरकार बनाने का मौका दिया। और ये बहुत ही खास तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अभी तक शपथ ग्रहण समारोह की एक खास तस्वीरें, रिज मैदान पर वाईएस परमार की प्रतिमा, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, इंदिरा गांधी की प्रतिमा, ये पहचान है रिज मैदान की, दुनिया भर में मशहूर है शिमला का रिज मैदान, और वहां पर हजारों की भीड़ आज अपने नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का स्वागत करेगी। आवाजें आ रही है, वो आवाजें भी आपको सुनाते हैं, इस मैदान से आती आवाज, इस प्रदेश को तो आपके गांधी जी ने बनाया है, इसी रिज से, यहाँ से हिमाचल का पूर्ण राज्य हमें मिला था 1971 में। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्व कल्याण और पूरे देश को जोड़ने का काम किया है और मुकेश अग्निहोत्री, दोनों ही कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, दोनों का ही अपना अपना करियर रहा है सियासत में, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी मंत्री नहीं बने, मुकेश अग्निहोत्री इससे पहले मंत्री रह चुके हैं, वीरभद्र सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश में। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू और पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आने वाले मुकेश अग्निहोत्री, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह है और वीरभद्र सिंह के परिवार की लेगेसी, उनकी विरासत जो बार बार उठती रही, उस बात को उठाया गया, तो दूसरी तरफ आज ताजपोशी हो रही है दो बड़े नेताओं की। अब इनकी जिम्मेदारी है ये संदेश देने की, राज्यपाल पहुंच चुके हैं, राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर पहुंच चुके हैं और बस अब कुछ ही मिनटों में शपथ दिलाई जाएगी। सभी नेता अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए राज्यपाल का, ये सीधी तस्वीरें, खबरें अभी तक पर। सीधी तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं हम, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पहुंच चुके हैं मंच पर और अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी।
सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री शपथ ग्रहण करेंगे। दो ही शपथ ग्रहण आज होंगे और उसके बाद में दरअसल जो कैबिनेट है उसका शपथ ग्रहण बाद में होगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम बने मुकेश अग्निहोत्री, ये बड़ी खबर इस समय। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं और पहली बार डिप्टी सीएम बने हैं दरअसल हिमाचल प्रदेश में। तो मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के पहले डिप्टी सीएम बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली और मुकेश अग्निहोत्री ने उनके ठीक बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तो यहां पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और उसके बाद में ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सभी समर्थकों का अभिवादन करते हुए और जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका आभार जताते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहां पर शपथ ग्रहण समारोह अब संपन्न हुआ है। नासिर, हिमाचल प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, एक नई जोड़ी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जरिए किए गए वादों को पूरा करेगी। परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू के परिवार के लोग, मुकेश अग्निहोत्री के परिवार के लोग। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर सीधे शिमला के रिज मैदान से लाइव। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन हिमाचल प्रदेश की सियासत में। हिमाचल को एक मुख्यमंत्री जो हमेशा मुख्यमंत्री हिमाचल में बनते आए हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार एक नेता मिला है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री का पद आया है। ये ताजपोशी हुई है दो कांग्रेस के बड़े नेताओं की, और जिनकी जिम्मेदारी है, दोनों ने ही कहा कि हम मिलकर सरकार को मजबूत तरीके से चलाएंगे। और अब राज्यपाल यहां से प्रस्थान करते हुए, राज्यपाल प्रस्थान करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके साथ साथ चलते हुए, और यहां पर मौजूद कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता मंच पर मौजूद। अवंतिका से अब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर यहां से प्रस्थान करते हुए, ये तस्वीरें शिमला के रिज मैदान से आपको दिखा रहे हैं। आज से सुक्खू राज की शुरुआत हो गई है हिमाचल प्रदेश में। जाहिर तौर पर यहाँ पर देखिए समर्थक जो है वो लगातार यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए आप, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल की टोपी यहाँ पर पहनाई है सुक्खू को, और उसके बाद में आप देखिए इन सभी का स्वागत यहाँ पर करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से शॉल उड़ाई गई और एक स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दरअसल जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली तो उसके बाद ये चुनाव पहली
बार हुआ यहाँ पर हिमाचल का और गुजरात का चुनाव, और हिमाचल में पार्टी विजयी रही है, तो ये एक जीत है, मल्लिकार्जुन खड़गे के खाते में भी जाती है। और यहाँ पर आप देखिए राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी को यहाँ पर हिमाचली टोपी पहनाई, शॉल उड़ाया और उसके बाद स्मृति चिन्ह ने यहाँ भेंट किया है, तो दोनों साथ में हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी साथ में ही मौजूद है। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं शिमला के रिज मैदान से, ऐतिहासिक रिज मैदान। और अब प्रियंका गांधी का यहाँ स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा, और इसके साथ ही यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री उन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए आ गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साथ में शॉल उड़ाई है, उड़ा रही हैं, और यहाँ पर जो हिमाचली टोपी है, पारंपरिक टोपी, वो उन्होंने पहनाई है। और उसके बाद में अब ये देखिए आप स्मृति चिन्ह प्रियंका गांधी को साथ साथ है दोनों, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुकेश अग्निहोत्री को बड़ा भाई भी कहा, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से समन्वय बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह से आज सुबह ही वो दरअसल शपथ ग्रहण से पहले सबसे पहले प्रतिभा सिंह से मुलाकात भी करके आए, और उसके बाद में अब यहाँ पर सभी कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सभी का यहाँ पर स्वागत करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी कि हिमाचल के नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं आरंभ से ही। आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी 5 बार विधायक रहे हरोली विधानसभा क्षेत्र। तो आज समर्थकों का जोश भी हाई है क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जाहिर तौर पर उनका उनके जो समर्थक हैं वो खुशी हैं, उनमें खुशी है, और साथ ही उनका हाई जोश नजर आ रहा है। शिमला का रिज मैदान इस समय खचाखच भरा हुआ है, आज शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं दूर दूर से लोग, और इस पल का साक्षी बनने के लिए कि आज जब सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, तो इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए वो पहुंचे हैं। खबर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं अब सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, यानी कि डिप्टी सीएम अब मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के बन गए हैं। पहली ही बार हिमाचल प्रदेश में कोई डिप्टी सीएम बना है, तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू राज शुरू हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने शपथ दिलाई, और इसके साथ ही हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज पहली बार वो दिन भी है जब हिमाचल प्रदेश को पहला डिप्टी सीएम मिला है, और मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के पहले डिप्टी सीएम बने हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये तस्वीरें, ये आप लगातार आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए इस समय जो हलचल है और शिमला के रिज मैदान से वो आप देखिए। यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का परिवार साथ में है, उनकी बेटियाँ हैं, पूरा परिवार यहाँ पर है, और कांग्रेस के जो आलाकमान है वो सब मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को शपथ दिलवाई गई हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर की ओर से, तो वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये दो तस्वीर इस समय आप सबके सामने, देखिए ये जो जीत है ये देखिए आप, सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो माता जी हैं वो भी इस समय मंच पर मौजूद हैं, साथ में बेटियां हैं। प्रियंका गांधी से कुछ बात यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। हाथ मिलाकर आप देखिए कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता जी हैं वो यहाँ पर सभी को हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन करती हैं। तो ये सबसे पहले खबरें अभी तक आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो इस समय शिमला के रिज मैदान से सामने आ रही है। पूरा परिवार सुखविंदर सिंह सुक्खू का वो यहाँ पर साथ में मौजूद है, और सभी यहाँ पर जाहिर तौर पर आप देखिए कि एक खुशी का दिन परिवार के लिए, लेकिन साथ ही साथ ऐतिहासिक दिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी और हिमाचल प्रदेश के लिए भी। हिमाचल को 15वां मुख्यमंत्री मिला है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आप देखिए मुकेश अग्निहोत्री का परिवार जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, मुकेश अग्निहोत्री यानी कि डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश के, और ये आप तस्वीरें देखिए उनकी, उनकी पत्नी यहाँ पर मंच पर है, उनकी बेटी मौजूद है। देखिए इस बार जब चुनाव हुआ तो पूरा परिवार, मुकेश अग्निहोत्री का भी पूरा परिवार इस बार चुनाव प्रचार में जुटा हुआ था। उनकी जो बेटी है या उनकी जो पत्नी है वो खुद लगातार चुनाव प्रचार में डटे रहे थे। तो ये इस समय तस्वीरें आप देखिए मुकेश अग्निहोत्री के परिवार के साथ, और उनका परिवार आया है राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से,
तो ये तस्वीरें आप देखिए, सभी की तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस समय जो मंच से सामने आ रही है, शिमला के रिज मैदान से जो सामने आ रही है। रिवाज कायम है हिमाचल प्रदेश का और कांग्रेस की सरकार बन गई है, कांग्रेस सत्ता में वापसी कांग्रेस की हुई है, ताज बदला है, राज बदला है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का राज अब शुरू हो गया है। तो जब बात हो रही थी हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने की, तो कांग्रेस ने कहा हिमाचल प्रदेश में ताज बदलेगा, लेकिन सुक्खू ने कहा था राज बदलेगा, और अब राज सुक्खू राज की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है और आज से सुक्खू राज की शुरुआत है। तो कई चुनौतियां जाहिर तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने भी है, इन चुनौतियों को पार पाते हुए कैसे हिमाचल प्रदेश में एक सबसे अच्छी सरकार चलाने में वो कामयाब होते हैं ये जरूर देखना होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज से सुक्खू राज की शुरुआत हो चुकी है और ये देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दूसरी साइड पर की, जब उन्होंने शपथ ली और उसके बाद ये देखिए आप दोनों हाथ हिलाकर यहाँ पर जो सभी समर्थक सभी लोग यहाँ मौजूद थे उन सभी का अभिवादन करते हुए, सभी का धन्यवाद एक तरह से करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अब मुकेश अग्निहोत्री जब उन्होंने शपथ ली डिप्टी सीएम के तौर पर, उसके बाद में किस तरह से वो यहां पर सभी जो समर्थक मौजूद थे उन सभी का धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। तो ये दिन शिमला के रिज मैदान इसका साक्षी बना, वो रिज मैदान जो ना जाने कितने राजनीतिक सफर का साक्षी बना है, ना जाने कितने उसने राजनीतिक बदलाव देखे। ये देखिए आप सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी साथ में मौजूद है, सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ पर प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। कांग्रेस पार्टी में एक नई सरकार बनी है, हम सरकार चलाएंगे भी और सरकार दौड़ाएंगे और इस सरकार को कोई भी परिंदा चोंच नहीं मार सकेगा और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए पहली कैबिनेट में करेंगे। कर्मचारियों को ओपीएस 1500 रुपए, महिलाओं को 1,00,000 नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। नहीं देखिए हम साथी हैं, पहले वो अध्यक्ष होते थे, मैं मिनिस्टर होता था, आज हम ये जोड़ी नंबर 1 हिमाचल प्रदेश की। बिल्कुल, जब लोग कहते थे कि देश में कांग्रेस किसी प्रदेश में नहीं आएगी, हमने भाजपा का रथ रोक दिया। पहला ओपीएस बहाल करेंगे, नंबर 1 हिमाचल प्रदेश की, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है। ये जोड़ी है सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री की और इस जोड़ी को उन्होंने कहा है जोड़ी नंबर 1 हिमाचल प्रदेश की। और उन्होंने कहा है कि ओपीएस बहाल करेंगे, जो वादा किया उसे पूरा करेंगे, ओपीएस बहाल करेंगे ये वादा किया गया। यहाँ पर डिप्टी सीएम बनने के तुरंत बाद सबसे पहला जो यहाँ पर मीडिया के सामने जो बात मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कही गई वो हमने आपको सुनवाई है। सबसे पहले खबरें अभी तक पर राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। उसको पूरा करेंगे, पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये उनकी ओर से कही गई है बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और देखिए अब सभी जो नेता हैं वो यहाँ अब मंच से प्रस्थान करते हुए, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से, सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से शपथ ग्रहण की गई और उसके बाद में अब सभी यहां से प्रस्थान करते हुए। तो जोड़ी नंबर 1 इसे मुकेश अग्निहोत्री ने बता दिया है, ना सिर्फ आज से जोड़ी नंबर 1 ये राज आया है जोड़ी का हिमाचल प्रदेश में, सीएम है, डिप्टी सीएम है, तो कई चुनौतियां भी हैं नई सरकार के सामने। का ताजपोशी हुई है दो नेताओं की, उन नेताओं की जिन्होंने अपनी पार्टी को जिताने की जद्दोजहद की हिमाचल प्रदेश में, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री। ये तीन लोगों की कोशिश थी और उसके साथ कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश के वोटर्स का विश्वास कांग्रेस के प्रति। और अभी हम सुन रहे थे मुकेश अग्निहोत्री को, उन्होंने कहा कि ये नंबर 1 जोड़ी है। और कल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा था कि मेरे भाई हैं और हम मिलकर एक मजबूत और नई सरकार देंगे। और आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन, खबरें अभी तक पर लगातार हम इस खबर पर बने रहे।
जाकू मंदिर का नज़ारा, रिज की ये शानदार तस्वीर और ऐतिहासिक रिज मैदान एक बार फिर से हिमाचल की सियासत की एक बड़ी जो बदलाव की बाहर थी उसका गवाह बना है। हम एक बार फिर से वो शपथ सुनाएंगे जब दोनों ही नेताओं ने शपथ ली अपने अपने पद की। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अशुभ रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तक के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। तो यहां पर अब सुखुराज की शुरुआत हो चुकी है, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। नासिर देखिए अब नजर ये रहेगी कि आखिर पोर्टफोलियो किसको कौन सा मिलता है और कौन कौन होगा सुखू की कैबिनेट में शामिल। बड़ा सवाल है कि कौन कौन सुखू कैबिनेट में शामिल होगा और किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे एक मजबूत सरकार के रूप में 5 साल तक कांग्रेस की सरकार काम करती रहे। अवंतिका, इस वक्त कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि जो विश्वास उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिलाया है उस पर खरा उतरना। और हिमाचल प्रदेश में ये रिवाज रहा है और वो परंपरा हमारे सामने रही कि जनता ने उस परंपरा को निभाया, लेकिन परंपराएं टूटती भी हैं। उत्तराखंड में जब परंपरा टूटी तो उसी की वजह से बीजेपी ने हिमाचल में ये कहा कि जैसे उत्तराखंड में हमने रिवाज को बदला है ऐसा ही हिमाचल में बदलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सामने ये मौका नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को एक अच्छी सरकार देनी है और जनता के सामने जब विकास के काम होते हैं, जनता की जिंदगी जब बेहतर होती है तो जनता बहुत कुछ बदल भी देती है जी। अब ये बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है जो पहली कलम से ओपीएस लागू करने की बात थी कि कैबिनेट में सबसे पहले फैसला ओपीएस बहाली का होगा उसको भी, और फिर धीरे धीरे वक्त लोग वक्त देते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, एक महीने का वक्त लोग जरूर देंगे कि देखते हैं एक महीने के अंदर अंदर आप क्या कुछ करते हैं। बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं क्योंकि अभी मंत्री बनेंगे, किसके पास कौन सा मंत्रालय जाएगा, संभावित कई लोग हैं। विक्रमादित्य सिंह की बात की जाए वो मंत्री बनेंगे, इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी जिम्मेदारी मिल सकती है, इसके अलावा जो सोलन से विधायक हैं शांडिल उनको भी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब विधानसभा स्पीकर किसको बनाया जाएगा, दो लोग तो बन चुके, अब 10 मंत्री हैं और एक डिप्टी स्पीकर और एक स्पीकर, 12 लोगों में और फैसला होना 40 में से। बिल्कुल, पूरे समीकरण बिठाने होंगे। सभी जिलों को बैलेंस आउट करने की कोशिश होगी या फिर जो अलग अलग गुट नजर आए उनको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। देखिए अवंतिका, हिमाचल में अब तक अधिकतर ये होता आया है कि हर जिले को कोई ना कोई मंत्री दिया जाए, अक्सर ऐसा हुआ है, एक आध बार अगर कभी छोड़ दिया जाए जो मेरे है ना, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है कि हर जिले से कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी वाला पद हिमाचल सरकार में या हिमाचल की राजनीति में मिलता रहे।
अब ये दोनों ही नेता मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू ये दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, तो अब यहाँ से तो एक चीज हो चुकी है। अब इसके अलावा अब लेकिन यहाँ पर जिले अगर देखें तो दो अलग अलग जिलों से दोनों आते हैं, एक हमीरपुर से हो गए, एक ऊना से आ गए। बिल्कुल जिले अलग है लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो संसदीय क्षेत्र एक है, तो दो जिलों को तो जिम्मेदारी मिल चुकी है जी। अब कांगड़ा को क्या दिया जाएगा, जहां से कांग्रेस ने इस बार जो कहा जाता है कि जहां से जो जीतता है कांगड़ा से वो सरकार बनाता है, मंडी में क्या दिया जाएगा, क्योंकि अब लोकसभा को भी फोकस करते हुए मंत्रालयों का आवंटन किया जाएगा, पदों का आवंटन किया जाएगा, ये भी है, फिर कुछ चेयरमैन बनाए जाएंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अभी, बहुत सारी चीजें, मुख्य सचिव किसको बनाया जाए, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सरकार अपने भरोसे के लायक समझती है और उसके जरिए वो काम किए जाएं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, वो अलग विषय है प्रशासनिक वाला, प्रशासन का, लेकिन सरकार की बात की जाए एक चीज नासिर यहां पर ये भी है कि जो एक नाराजगी खुलकर सामने आई, जिस तरह की बगावत देखी हमने, पार्टी जीत गई लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें देखी शिमला से, जिस तरह से समर्थकों की नारेबाजी, हंगामा पूरे देश ने देखा, तो वहां पर जो गुटबाजी खुलकर सामने आई, जो अलग अलग गुट हैं, सबको एक बैलेंस आउट करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि अगर नाराजगी है नेताओं की तो उसके बाद सत्ता परिवर्तन होते भी यहां पर देश ने देखा है कितने राज्यों में। देखिए 5 साल तो ये सरकार चलनी है, कांग्रेस के नेता एकजुट रहते हैं, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, जनता के लिए विकास के काम करते हैं, 5 साल तो सरकार चलनी है। अब 5 साल बाद फिर परिवर्तन होता है या फिर अगली बार जो भी राजनीतिक समीकरण है वो अलग बात है, क्योंकि मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, 40 विधायक हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं अवंतिका राजनीति में। कास्टिज्म का फैक्टर ध्यान रखा जाता है, जातिगत जो फैक्टर है उसके हिसाब से कि किस जाति को कितने प्रतिशत कितना सरकार में योगदान दिया जाए। इसके अलावा हिमाचल में ये चीज़ भी फैक्ट मायने रखती है कि कौन किस जाति के कितने वोटर्स हैं, तो उस हिसाब से भी। दूसरी बात ये कि जिलों का भी फैक्टर हिमाचल में मायने रखता है, तो जिलों के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाती है। इसके साथ ही अभी वीरभद्र परिवार के लिए कौन सा पद आवंटित किया जाएगा, क्योंकि सबको लग रहा है कि एक बड़ा पोर्टफोलियो और एक हैवी वेट मंत्री उस परिवार से भी बनाया जा सकता है। विक्रमादित्य को लेकर चर्चाएं तो हैं, अब अलग बात है कि पार्टी में क्या फैसला हुआ है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह को लेकर चर्चाएं कि उनको मंत्री बनाया ही जाना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो और ज्यादा फिर नाराजगियां आ सकती हैं सामने। तो बहुत सारी चीजें हैं और कांग्रेस के सामने इसको बैलेंस करना, और ये बैलेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिर अगला चुनाव कुछ ही दिन बाद अब लोकसभा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लोकसभा का शोर शुरू हो जाएगा, ये साल निकलते ही अगले साल से लोकसभा को लेकर समीकरण बनने शुरू हो जाएंगे और उसको लेकर पार्टियां मेहनत में जुट जाएंगी, और कांग्रेस की कोशिश होगी कि हिमाचल की चारों नहीं तो कम से कम आधी सीटों पर तो हम कब्जा करें। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए मंडी, और इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, अवंतिका आप गई भी थी हमीरपुर, आपने कवर किया था कि बीजेपी के लिए भी बड़ा मुश्किल अब रहने वाला है, क्योंकि हमीरपुर, बिलासपुर ये जो क्षेत्र है, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा वो इन्हीं क्षेत्रों से आते, तो उनको भी अपने आप को साबित करना होगा, यहाँ से हमीरपुर से तो बीजेपी को हार मिली है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी, मुझे लगता है कि हमीरपुर से दो दो बड़े नेताओं का आना कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती दे जाएगा और अनुराग ठाकुर के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए अब बीजेपी का भी देखना होगा कि किस तरह से अपनी चीजों को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर एक कांग्रेस के फेवर में ये चीज जाएगी कि मुख्यमंत्री भी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से है और साथ ही जो डिप्टी सीएम है वो भी इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को एक मजबूती कम से कम इस सीट पर देंगे नासिर। बिल्कुल इस पर भी मजबूती रहेगी, फिर मंडी में जो विधानसभा ज्यादातर हारी है कांग्रेस, तो उस पर किस तरह से काम किया जाए, क्योंकि वहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं, हालांकि मंडी ने बीजेपी की लाज बचाई है। हम बात कर रहे थे कि वोटों का प्रतिशत सिर्फ 1% के करीब था और उससे इतना फर्क पड़ गया, अगर मंडी में भी थोड़ा सा बीजेपी कमजोर रहती तो बीजेपी के लिए और ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो जाती। लेकिन अभी बात कांग्रेस की होगी, दो बड़े नेता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में अब कांग्रेस की तरफ से सामने आए हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता की अगर बात की जाए, और दोनों ही नेता समर्पित हैं अपनी पार्टी के लिए, और अभी जो मंच से एक दूसरे के ये होता है ये तरीके से कि भाई गले मिलते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में चलने की कस्में खाते हैं, लेकिन ये साथ ये जोड़ी जो नंबर वन मुकेश अग्निहोत्री ने कही है कितना अपने एक दूसरे को साथ में लेकर चलती है, और जो दूसरे विधायक हैं उनके साथ में चल पाती है, हिमाचल से किए गए वादों को पूरा कर पाती है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है नासिर कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बन गए हैं,
लेकिन इससे पहले ना वो मंत्री रहे हैं और उसके बाद अब पहली बार उन्हें एक ये इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, तो ये एक इस जिम्मेदारी का वो कैसे निर्वहन करते हैं, ये इस पर नजरें जरूर रहेंगी सबकी। हाँ बिल्कुल नजरें रहेंगी, क्योंकि देखिए प्रशासन पार्टी में संगठन को चलाना, संगठन का काम करना और सरकार का चलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री को संगठन में भी वो काम करते रहे और वो सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लेकिन सुक्खू न मंत्री रहे हैं लेकिन वो सीधे, हालांकि संगठन का अनुभव उनको ज्यादा है, वो एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के हिमाचल में भी अध्यक्ष भी रहे, छात्र जीवन से भी राजनीति की शुरुआत की और प्रचार समिति, तो संगठन में बड़ा उनका एक मजबूत योगदान रहा है और उनको इस चीज का अनुभव है। तो अब ये दोनों अनुभव इस पर डिपेंड करेंगे कि दोनों नेता फिर प्रशासन को किस तरह से हैंडल करना है, प्रशासन को किस तरह से टैकल करना है, अधिकारियों से कैसे काम करवाना है, ये बहुत मायने रखता है। सरकार, हम सब जानते हैं कि सरकार को अधिकारी ही चलाते हैं, अधिकारियों के हिसाब से सारी चीजें होती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा एक फायदा मुकेश अग्निहोत्री के साथ है, क्योंकि उनको अनुभव रहा है और वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अधिकारियों के संपर्क में रहे, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई नहीं, ये अनुभव की बात होती है और धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं, जब मजबूत सरकार होती है तो सारे काम बेहतर हो जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है, उससे बड़ा कुछ प्रदेश में होता नहीं है, तो सारी चीजें अभी फिलहाल तो कांग्रेस के फेवर में है, लेकिन अब कांग्रेस को साबित करना है कि जिसने जितनी उम्मीदों के साथ हिमाचल की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है, अब कांग्रेस को साबित करना है कि हम एक साथ हैं और एक साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत सरकार देंगे और हिमाचल से किए गए वादों को पूरा करेंगे। ये जो जीत है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, इससे सिर्फ हिमाचल में कांग्रेस मजबूत होती है ये नहीं है, बल्कि ये जीत पूरी की पूरी कांग्रेस, हम कहें कि पूरे देश में जो कांग्रेस है उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती देती है, उसको बल देती है। बिल्कुल, एक ऐसे वक्त में अवंतिका जब पूरे देश में कांग्रेस हाशिए पर है, जहां कांग्रेस का गुजरात का बहुत खराब प्रदर्शन रहा, दिल्ली का बहुत, एमसीडी का बहुत खराब प्रदर्शन रहा, और हम बार बार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये जीत वाकई में, और अब वो आज नजर भी आया, आज पूरे देश के कांग्रेस नेताओं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर हिमाचल पर थी और हिमाचल के चुनाव से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी और ये संजीवनी का काम करेगा। अब डिपेंड ये करेगा कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव होना है, अगर वहां पर भी कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा है तो फिर आप देखना कि 2024 की जो लड़ाई है वो बहुत मजबूत होने वाली है, बहुत टक्कर की होने वाली है, ये डिपेंड करेगा। ये जीत है, इसने कांग्रेस को संजीवनी दी है, कांग्रेस को ये एहसास कराया कांग्रेस नेताओं में कि ऐसा नहीं है, अगर लड़ा जाए, मेहनत की जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। बिल्कुल, वो रिवाज की बात है कि जनता का इसमें कितना वोट जनता देती है, अब जनता ने कांग्रेस के वादों पर ही यकीन करते हुए सरकार बनाई है या फिर अपने रिवाज को कायम रखा है, वो अलग बात। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, नई सरकार हिमाचल प्रदेश में, सुक्खू राज की शुरुआत अब हो गई है, मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ग्रहण हो गई है, अब किस तरह की तैयारी आगे रहेगी, क्या कुछ कहा इस जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेताओं ने? बिल्कुल अवंतिका, दे हो चुका है और हिमाचल को अब नई सरकार मिल गई है, नए मुख्यमंत्री, नए डिप्टी सीएम और अब एक नई शुरुआत जो है कांग्रेस यहाँ से करने जा रही है। पहाड़ों की रानी शिमला में आज ये शपथ ग्रहण में खुद कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और इस दौरान हम कह सकते हैं कि एक नए अध्याय की शुरुआत हिमाचल से हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां पर एक सरकार की वापसी हुई और ऐसे में उत्साह कांग्रेस वर्करों के बीच में भी है, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भी है, और लेकिन अब चुनौतियां कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा हैं। खास बात करें तो चाहे अगर दिल्ली में बात करें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार हो गई है, आप कैसे सामंजस्य बिठाते हैं और जो गारंटियां दी है उनको कब तक पूरा किया जाता है, और उसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री की ही शपथ हुई है, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल रहेगा कि कैबिनेट मंत्री कब तक जो है उनका चुनाव हो जाएगा, कैबिनेट मंत्रियों की घोषणा कब तक हो जाएगी और फिर पोर्टफोलियो भी बंटने हैं। हालांकि
जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, उनको कौन से विभाग दिए जाते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें। देखिए, अब सबसे ज्यादा नजर पोर्टफोलियो आवंटन पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण कर ली है, लेकिन पोर्टफोलियो किसको, कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, कौन सा विभाग मिलता है, इस पर नजर टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर तमाम जानकारी के लिए।